नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मवेशी के लिए घास काटने गई 3 महिला आई ट्रेन की चपेट में, एक की हुई मौत, 2 की हालत गंभीर। शुक्रवार को होने वाली 67वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर सारी तैयारी हुई पूरी। जिले के 58 केंद्रों पर 11 बजे से होगी परीक्षा। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टर्स मीट का हुआ आयोजन। उद्योगपतियों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जाहिर की चिंता। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां के चतुर्थ स्वरूप मां कुष्मांडा की हुई पूजा, भक्ति में डूबे श्रद्धालु। और दुर्गा पूजा मेला के दौरान लगने वाली भीड़ को लेकर पुलिस ने जारी किया नया रूट चार्ट। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर ललमटिया थाना क्षेत्र के कबीपुर रेलवे अंडरपास से पार करने के दौरान गुरुवार की दोपहर नाथनगर बुद्धू चौक की रहने वाली 3 महिला ट्रेन की चपेट में आ गई, जिसमें एक महिला की मौत मौके पर ही हो गई जबकि 2 अन्य महिला गंभीर रूप से जख्मी है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची ललमटिया पुलिस ने दोनों घायल महिला को इलाज के लिए माइग्रेन अस्पताल भेज दिया है और एक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया। वहीं 3 महिला की पहचान बिलास मंडल की पत्नी सीता देवी, राम अवतार मंडल की पत्नी दुलारी देवी के रूप में हुई है, जबकि मृतिका की पहचान वकील मंडल की पत्नी सुकमा देवी के रूप में हुई है। इधर घटना को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि 3 महिला कबीपुर अंडरपास रेलवे पुल पार कर रही थी, तभी तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गई जिससे एक महिला की मौत हो गई। वहीं मधुसूदनपुर थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि घटना की सूचना महिला के परिजनों को दे दी गई है और सभी महिला घास काटने वाली बताई जाती है। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी की समीक्षा की गई। इस दौरान डीएम ने 67वीं बीपीएससी परीक्षा से जुड़े सभी परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षक, सभी पुलिस पदाधिकारी, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि यह परीक्षा शहर के 53 और पुलिस जिला नवगछिया के 5 केंद्रों पर कराई जाए, जबकि इसके सफल एवं कदाचार मुक्त संचालन के लिए इसे 28 जून में बांटकर स्टैटिक दंडाधिकारी, गश्ती दल सह जोनल दंडाधिकारी, उड़नदस्ता सुपर जोनल दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती किए जाने की बात कही। साथ ही जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि सभी मजिस्ट्रेट को परीक्षा शुरू होने के 2 घंटा पहले ड्यूटी केंद्र पर उपस्थित रहना होगा और किसी भी परीक्षार्थी को सुबह 11 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी, जबकि परीक्षा केंद्र में मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ और वाईफाई का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। बीपीएससी की आपको पता है कि परीक्षा जो है वो आयोजित हो रही है 30 तारीख को और 58 टोटल सेंटर्स हैं यहाँ भागलपुर और नवगछिया में। तो आप लोगों ने देखा ही है कि इस बार हम लोगों ने सब लोगों को ब्रीफिंग के लिए बुलाया था। काफ़ी संख्या में जो है केंद्राधीक्षक, सारे पुलिस पदाधिकारी, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, मतलब इस एग्जाम से जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी कर्मी हैं सबको हम लोगों ने बुला करके ब्रीफ किया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से ऑलरेडी पहले ब्रीफिंग हो चुकी है और कहीं कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएम नीतीश कुमार ने की, जबकि इस दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उद्योग मंत्री समीर महासेठ समेत कई नेता और उद्योगपति ने भी अपनी बात रखी। बिहार इन्वेस्टर्स मीट में नए उद्योग लगाए जाने पर चर्चा करते हुए उद्योगपतियों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी चिंता भी जाहिर की। वहीं इसको लेकर माइक्रोमैक्स बायोफ्यूल्स के डायरेक्टर राजेश अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से कहा कि विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जिससे उद्योगपतियों और व्यवसायियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। माइक्रोमैक्स बायोफ्यूल्स के निदेशक ने कहा कि वे सभी दिल्ली से आए हैं और उन्हें एक सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराया जाए जिससे वे सभी सुरक्षित तरीके से अपना व्यवसाय बिना किसी व्यवधान के बढ़ा सके। इसके
अलावा उन्होंने कहा कि बिहार में उद्योग लगाने के बारे में जब उन्होंने मन बनाया तो उनके कई साथियों ने उनसे बिहार में उद्योग लगाने का कारण पूछा, लेकिन इस सवाल को उन्होंने इग्नोर कर दिया और बिहार चले आए। डायरेक्टर राजेश अग्रवाल ने कहा कि अक्सर बिहार में अपराधियों द्वारा उद्योगपतियों को टारगेट बनाया जाता है और लॉ एंड ऑर्डर सही रहने पर असामाजिक तत्व उद्योगपतियों को टारगेट नहीं कर पाएंगे। राजेश अग्रवाल ने कहा कि उनकी कंपनी माइक्रोमैक्स एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है और पिछले 15 वर्षों से बिहार में उनकी कंपनी मोबाइल बेच रही है, जबकि वो बिहार में इथेनॉल की फैक्ट्री भी लगाने वाले हैं। वहीं मौके पर मौजूद बिहार के DGP SK सिंगल ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया और कहा कि बिहार पुलिस प्रदेश में सुरक्षित माहौल देने में सक्षम है। आश्विन मास में मनाए जाने वाले शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप माता कुष्मांडा देवी की पूजा की गई। धर्मशास्त्रों के अनुसार जब सृष्टि भी नहीं थी तभी सिंह पर सवारी करने वाली माता कुष्मांडा ने अपने मंद मुस्कान और तेज से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी, जिसके कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। कुष्मांडा देवी रोग शोक और कष्ट मिटाने वाली है, जो कमल पुष्प के साथ कमंडल अमृत कलश धनुष बाण चक्र और गधा धारण करती है। देवी दुर्गा के इस कुष्मांडा स्वरूप को कोहड़े की बलि अति प्रिय है और शरणागत वत्सला से ये अष्टभुजा देवी आदि स्वरूपा आदि शक्ति भी है। माता कुष्मांडा अच्छे स्वास्थ्य के साथ आयु यश और बल की वृद्धि करने वाली है, जो सभी प्रकार की सिद्धियां और निधियों को प्रदान करती है। वहीं तेज की देवी कुष्मांडा की पूजा जिले के सभी दुर्गा मंदिरों और पूजा पंडालों के साथ घरों में भी भक्तिभाव से मंत्रोच्चार दुर्गा सप्तशती पाठ कर की गई। इधर दुर्गा पूजा के विशेष सप्तमी अष्टमी नवमी और दशमी पूजन को लेकर प्रतिमा को अंतिम रूप दिया गया, जबकि बांग्ला पद्धति से पूजा होने वाले दुर्गा मंदिरों में षष्ठी तिथि को ही माता का पट श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। इसको लेकर सभी पंडाल और मेला की तैयारी को अंतिम रूप देने का सिलसिला जारी रहा। शहर के कालीबाड़ी, दुर्गाबाड़ी, कचहरी चौक, भिकनपुर, आदमपुर चौक, मिर्जान समेत विभिन्न दुर्गा पूजा समितियों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से दुर्गा पूजा संपन्न कराने के लिए प्रशासन के निर्देशों का भी पालन किया जा रहा है। वहीं नवरात्र को लेकर शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी उत्साह और भक्तिमय माहौल देखा जा रहा है। भागलपुर में दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा की पूजा और दर्शन करने को लगने वाले मेला की भीड़ को देखते हुए भागलपुर पुलिस ने जरूरी पहल की है। इसको लेकर यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन ने 6 पूजा से 10वीं तक के लिए नया रूट चार्ट जारी किया गया है। प्रशासन के निर्देश के बाद अब 1 अक्टूबर से शहर के कई रूट पर वाहनों का परिचालन बंद कर दिया जाएगा, जबकि कई रूट पर परिचालन डाइवर्ट करने का निर्देश दिया गया है। इसको लेकर ट्रैफिक DSP प्रकाश कुमार खुद इस व्यवस्था की मॉनिटरिंग करेंगे, जबकि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बाबूराम के निर्देश पर 6 पूजा से शहर में कुछ जगहों पर नई यातायात व्यवस्था लागू करने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। DSP प्रकाश कुमार ने बताया कि दोपहर 12 बजे से रात के 12 बजे तक नई व्यवस्था के तहत गाड़ियों का परिचालन होगा और घंटाघर स्थित टीचर ट्रेनिंग कॉलेज कैंपस में पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जबकि घंटाघर चौक से बड़ी पोस्ट ऑफिस के बीच सड़क किनारे डिक्शन मोड, कोयला डिपो, बस स्टैंड और भागलपुर रेलवे स्टेशन की पार्किंग में ही बड़ी गाड़ियों को पार्क करने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही दुर्गा पूजा के भीड़ को कंट्रोल में रखने के लिए कई जगह बैरियर भी लगाए जाएंगे, जिसमें डिक्शन मोड, घंटाघर चौक, शहीद भगत सिंह चौक, खलीफाबाग चौक, कोतवाली चौक, नया बाजार चौक, स्टेशन चौक और खलीफाबाग चौक के समीप बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाएगी। दुर्गा पूजा के लिए जिस तरह का अरेंजमेंट प्रत्येक साल होता है उसी प्रकार का किया गया है, परंतु इस साल जो हम वन वे का एक नया तरकीब निकाले थे जाम से निजात दिलाने के लिए भागलपुर वासियों को, वो वन वे का पालन किया जाएगा। वन वे का पालन में सबसे पहले हम बताए सैंडिस के चारों तरफ पूरी तरह से किया जाएगा। इसके अलावा हमने स्टेशन से लहरी टोला होते हुए भी वन वे का किया था, लेकिन लहरी टोला का जो रोड है उस रोड में दुर्गा पूजा होता है तो वो और उसमें निर्माण कार्य भी चल रहा है, जिस वजह से वहाँ का वन वे इस बार पालन नहीं किया जाएगा। और जो स्टेशन से ततारपुर की ओर जाने वाली रोड है उसमें हम टू वे का व्यवस्था करेंगे ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। बाद बाकी कुछ एरिया जो पूर्व से भी प्रतिबंधित रहा है दुर्गा पूजा के अवसर पर वो इस बार भी प्रतिबंधित ही रहेगा, मतलब उस एरिया में कोई भी वाहन जो 4-व्हीलर वाहन है या 2-व्हीलर है वो नहीं जाएंगे। अब तो
चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर तिलकामांझी विश्वविद्यालय के एमबीए विभाग के सेमेस्टर 1 और 3 के छात्रों ने गुरुवार को अपनी समस्याओं की जानकारी रजिस्ट्रार को दी। इस दौरान एमबीए छात्रों ने विभाग के निदेशक की अनुपस्थिति के कारण हो रही परेशानियों की जानकारी देते हुए कुल सचिव से अविलंब समाधान कराने की दिशा में पहल करने की मांग की। वहीं इसके बाद रजिस्ट्रार ने छात्रों को कुलपति से मिलकर अपनी समस्या बताने को कहा, जिसके बाद छात्रों ने कुलपति कार्यालय जाकर अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन कुलपति के कार्यालय से बाहर होने के कारण छात्र उनसे नहीं मिल सके, जिस पर एमबीए के छात्रों को अपना आवेदन कुलपति कार्यालय में सौंपकर वापस जाना पड़ा। कुलपति को आवेदन देने वालों में 3rd सेमेस्टर के छात्र अमन, प्रणव, साहिल और 1st सेमेस्टर के वसीम, दीपक एवं पल्लवी समेत कई छात्र छात्रा शामिल थे। जी, हम लोग के डिपार्टमेंट में डायरेक्टर जो है पिछले 2 महीने से अनुपस्थित हैं, जिसके वजह से काफ़ी संख्या में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से हम लोग यहाँ पे डायरेक्टर की मांग के लिए आए हुए हैं। कौन सा विभाग? जी, एमबीए डिपार्टमेंट के हम लोग हैं, जूनियर्स भी हैं। जी, और क्या समस्या है? बहुत तरीके का समस्या है, कोई डिसीजन मेकर नहीं है, ना ही सही तरीके से क्लास हो पा रहा है, ना ही जो है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही लाइट है, बिजली है, किसी भी तरीके का सुविधा नहीं है। ऐसा लग ही नहीं रहा है, ऐसा प्रतीत ही नहीं हो पा रहा है कि हम लोग एमबीए कर रहे हैं, लग रहा है किसी चरवाहे विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। नाथनगर के मधुसूदनपुर थाना में दुर्गा पूजा को लेकर थानाध्यक्ष महेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। इस दौरान मधुसूदनपुर थानाध्यक्ष महेश कुमार ने दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश देते हुए लोगों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। साथ ही असामाजिक तत्वों पर निगरानी के लिए पुलिस द्वारा कड़ी निगरानी करने की बात कही। मौके पर समिति के रामचरण दास, मेड़पति देवेंद्र दास, दिलीप यादव और नीलू देवी समेत कई लोग मौजूद रहे। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के वार्ड 20 के शाहबाद गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए। घटना को लेकर एक पक्ष के लोगों ने बताया कि घर के आगे छज्जा निकालने
को लेकर मारपीट हुई, जिसमें दूसरे पक्ष के लोगों ने उन पर लाठी डंडे से प्रहार करना शुरू कर दिया, जिसमें संतोष कुमार, हीरालाल शर्मा, नूतन शर्मा बुरी तरह से घायल हो गए। हालांकि दूसरे पक्ष के लोगों का भी कहना है कि छज्जा निकालने पर मारपीट हुई है, जिसमें दूसरे पक्ष से विक्की कुमार, कैलाश शर्मा, जूली कुमारी, चांदनी देवी घायल बताए जा रहे हैं। जबकि दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते दिख रहे हैं कि मारपीट उनके द्वारा शुरू नहीं की गई। वहीं इस घटना को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं घायलों की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने घायलों को मायंग अस्पताल रेफर कर दिया। हमको मारा है कैलाश चौधरी, विक्की चौधरी, विक्की शर्मा, कैलाश शर्मा, मनीष शर्मा, चांदनी देवी, जूली देवी, किरण देवी, सब मारा मिल गया। सब मिल के हम लोग तीनों बेटा बेटी को, वजह क्या बेटा को साई को हमको क्यों मारा, वजह क्या था, वजह क्या था, छज्जा निकाल रहा था, बोला तीनों जगह है दुआ के लोग बनाएगा हम लोग को उठवाएगा, तो हमरे जमीन पे छज्जा निकाल रहा था, हमरे का हम नहीं निकाला था, दुआ साहब का है, हमरा को उठवाएगा तो हम रहेगा। नाथनगर गोलदार पट्टी स्थित रामलीला मैदान में भगवान राम और लक्ष्मण द्वारा तड़का राक्षसी के वध और श्राप के कारण पत्थर बानी गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को प्रभु राम द्वारा मुक्ति देने के प्रसंग पर नाट्य मंचन किया गया। इस दौरान ऋषियों के यज्ञ पूजन में ताड़का राक्षसी एवं अन्य राक्षसों के द्वारा लगातार डाले जा रहे व्यवधान और ऋषियों की हत्या से छुटकारा दिलाने और वध के लिए राजा दशरथ से महर्षि विश्वामित्र ने उनके दो राम लक्ष्मण को वन ले जाने की बात कही और इसके बाद राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वन गमन कर ताड़का सहित सभी राक्षसों का वध कर देते हैं। जबकि जंगल में भ्रमण के दौरान भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से पत्थर रूपी देवी अहिल्या श्राप मुक्त होकर पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाती है। वहीं इस पूरी कहानी को नाट्य कलाकारों ने नाटक के माध्यम से प्रस्तुत कर लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। मौके पर अध्यक्ष हरिप्रसाद भगत, उपाध्यक्ष अमरनाथ भगत, अजय भगत, राजकुमार भगत समेत काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मवेशी के लिए घास काटने गई 3 महिला आई ट्रेन की चपेट में, एक की हुई मौत, 2 की हालत गंभीर। शुक्रवार को होने वाली 67वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर सारी तैयारी हुई पूरी, जिले के 58 केंद्रों पर 11 बजे से होगी परीक्षा। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टर्स मीट का हुआ आयोजन, उद्योगपतियों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जाहिर की चिंता। शारदीय नवरात्र के 4th दिन मां के चतुर्थ स्वरूप मां कुष्मांडा की हुई पूजा, भक्ति में डूबे श्रद्धालु। और दुर्गा पूजा मेला के दौरान लगने वाली भीड़ को लेकर पुलिस ने जारी किया नया रूट चार्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।